हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द सी प्रोग्रामिंग बाय माधुरी कुमारी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले एंड ये वीडियो जो है एंड तक देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो की। और अगर आपको कोई और वीडियो की रिकमेंडेशन है या फिर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई और वीडियो बनाऊं, किसी और प्रोग्राम को सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका नेम है सी प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। मतलब हम इसमें बेसिकली करने के हवाले हैं, हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग गिवन होगा और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उसको जो है कंसोल पर प्रिंट करने वाले हैं। सपोज़ अगर हमें जो है कोई स्ट्रिंग गिवन है हाउ आर यू, तो हम प्रिंट करेंगे हाउ HOW, ये हम प्रिंट करने वाले हैं। दैट मीन्स हमारे पास पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में से हम कैरेक्टर्स को प्रिंट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ओपन आवर कोड ब्लॉक्स। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी कोड ब्लॉक्स ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज क्रिएट कर रखा है। अब आप पेज को कैसे सेव करेंगे सी लैंग्वेज में, जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल, क्लिक ऑन दिस न्यू एंड क्लिक ऑन दिस एम्प्टी फाइल। जब आप इस एम्प्टी फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब उसको कंट्रोल एस की हेल्प से विथ .c एक्सटेंशन कोई भी नेम देके आप उसको सेव कर लो। लाइक मैंने यहाँ पे दिया है सिंगल अंडरस्कोर स्ट्रिंग .c। तो .c से क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में सेव हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम में क्या करते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाली हूँ हैज़ इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे stdio.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। अब क्योंकि हम सारा काम स्ट्रिंग से करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करूँगी, दैट इज़ हैज़ इंक्लूड string.h। ठीक है, हम string.h यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे सारा का सारा काम जो है स्ट्रिंग पे परफॉर्म करने वाले हैं। अब किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेन मैथड की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने मेन मैथड का रिटर्न टाइप void रखना चाहती हूँ और उसका नेम main रखा है मैंने। अब हम इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर कैर str। उसके बाद आप इसको साइज़ दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 100 दे दिया है। उसके बाद मैं कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करने वाली हूँ। पहला है इंटीजर टाइप का एंड आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज़ i, और मैं यहीं पर जो है वैल्यू भी असाइन कर रही हूँ, दैट इज़ 0। तो यहाँ पर मैंने जो है i इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यूज़र को जो है कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ की हेल्प से, दैट इज़ एंटर एनी स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले \n लिख रही हूँ, बिकॉज आपको पता है प्रोग्राम की थोड़ी क्रोनोलॉजी क्या होती है कि थोड़ा कंसोल पे जो है अच्छे से शो हो। तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल रही हूँ एंटर एनी स्ट्रिंग। तो अब यूज़र क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा। अब हम इसको जो है scanf की हेल्प से क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ scanf एंड इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ मैं sq, क्योंकि हमने जो है इस वैल्यू को एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है हमने, तो इसको हम %s यूज़ करके यहाँ पे करेंगे। अब हम इस वैल्यू को किस में स्टोर कर रहे हैं, str में। str हमारा यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लगाने वाली हूँ। वाइल इसमें क्या जाएगा कि str ऑफ i की जो हमारी i की वैल्यू है, दैट इज़ फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा आएगा, अगर वो नॉट इक्वल है नल के, अगर हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर आया अगर वो नल के इक्वल नहीं है, नल यानी यहाँ पे जो है हम सी लैंग्वेज में \0 लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर वैल्यू जो है स्पेस आया या फिर नल नहीं है, तब वो क्या करे, इस वाइल कंडीशन में आए और यहाँ पे जो है कंसोल में मैसेज प्रिंट करे, दैट इज़ प्रिंट एफ की हेल्प से। हम यहाँ पे क्या मैसेज डालने वाले हैं, द कैरेक्टर एट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, %d यूज़ करके इसको जो है मैं बताऊँगी कि वो किस पोजीशन पे जो है पड़ा हुआ है, इसकी हम इंडेक्स बताएंगे कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो भी हमारा पहला कैरेक्टर आया है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। एंड साथ ही साथ जो हम उस कैरेक्टर को भी प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ %c, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है। एंड मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली \n, ताकि जो है हमारे कैरेक्टर हर बार जो है न्यू लाइन में प्रिंट हो। अब हम सबसे पहले हम क्या करें, इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम i लिखेंगे एंड दूसरा हमारा क्या है, str of i। ठीक है, एंड
एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो है हर बारी इंक्रीमेंट करवाएंगे। सो फ्रेंड्स विद दिस आर प्रोग्राम हैज़ बिन रेडी। इसे कंट्रोलर से सेव करते हैं एंड रन करते हैं। कंसोल में क्या आ रहा है मैसेज, एंटर एनी स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ गुड। ठीक है, तो एंटर करने पे क्या आ रहा है, द कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स पोजिशन इज जी, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है ओ, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है सेकेंड वाला ओ, एंड थर्ड इंडेक्स पे क्या है डी। सो फ्रेंड्स विद दिस हमारा प्रोग्राम जो है सही से वर्क कर रहा है। एक बार जो है हम प्रोग्राम के गो थ्रू हो जाते हैं कि आखिर इसमें था क्या। तो हमें करना क्या था कि हमारे पास स्ट्रिंग में जो है जितने भी कैरेक्टर हैं उनको हमें प्रिंट करवाना था। तो हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, उसको हमने साइज असाइन की, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसको हमने आई को जो है वैल्यू जीरो असाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल पे जो है एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर एनी स्ट्रिंग। और जब यूज़र ने किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को एंटर किया तो हमने उसको str में उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया वाइल कि str ऑफ i अगर नॉट इक्वल है नल के, दैट इज़ \0 के, तो वो हर बारी क्या करे, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है कंसोल पे प्रिंट कर दे और i की वैल्यू हर बारी इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा से रन करके देख लेते हैं। एंड इस टाइम पे मैं डालने वाली हूँ वैल्यू कोडर्स। सी इसने जो हमें इंडेक्स के साथ जो है हर एक कैरेक्टर को कंसोल पे प्रिंट करके दिखा दिया कि आखिर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। सो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।